हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस बार मैं आपको सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, इंग्लिश में वाइड एग प्लांट कहते हैं, उसके होम्योपैथिक प्रयोगों के बारे में बताऊंगी। आयुर्वेद में इस पौधे को कंटिकारी, कटीली, भटकटैया और रेंगनी नाम से जाना जाता है। यह आयुर्वेद की बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि है। इसकी जड़ एवं पत्ती कुछ विशिष्ट गुणों से भरपूर होती हैं, परंतु औषधि के रूप में इस पौधे के सभी भाग का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग बवासीर को ठीक करने में, दमा में, खांसी एवं सर्दी जुकाम में, पेशाब की तकलीफों में, पेशाब मार्ग अर्थात मूत्र मार्ग की पथरी में इसका विशिष्ट प्रयोग होता है। खांसी के साथ गले में खराश रहने पर या आवाज बंद हो जाने पर यह दवा विशेष प्रभावशाली है। यह आंतों में बसे कृमियों को भी मार देती है। शरीर में जलन होने पर इसे आयुर्वेद में देते हैं और यह बुखार को ठीक कर देती है। यह दवा मधुमेह रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि यह बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को सामान्य कर देती है। यह बालों के झड़ने पर भी दी जाती है और डैंड्रफ को भी समाप्त कर देती है। यह पुराने समय में स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक जैसी गंभीर बीमारी में उसके बचाव में दी जाती है। इसे एज अ प्रिवेंटिव यूज किया जाता रहा है। होम्योपैथी में सोलेनम ज़ेंथोकार्पम मदर टिंक्चर का प्रयोग दमा के क्षेत्र में किया जाता है, जहां इसका कोई सानी नहीं है। जब कभी बिना किसी वजह से गला खराब हो जाए तो सोलेनम ज़ेंथोकार्पम मदर टिंक्चर की 3 से 6 बूंदों को शुद्ध जल में डाल करके दिया जाता है तो लाभ मिलता है। इस दवा को एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी दे सकते हैं। शिशुओं में सर्दी खांसी के बाद गले से आवाज निकलना बंद हो जाए तब इस दवा की 2 बूंदों को 4 चम्मच पानी में डाल करके धीरे धीरे शिशु को पिला देना चाहिए। खांसी में, ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकोनिमोनिया में या न्यूमोनिया में जब मुंह से बोल ना निकल पाए, आवाज बंद हो जाए, एफोनिया हो जाए, तब इस दवा को देना बहुत फायदेमंद होता है। जब बुखार में प्यास रहे, उल्टी आए, भोजन करने का मन न करे और पूरे शरीर में जलन का अनुभव हो, छाती एवं पसलियों में भी बहुत दर्द रहे, तब इस दवा को जल्दी जल्दी देना चाहिए। इसकी 5 से 6 ड्रॉप दिन में 3 बार शुद्ध जल के साथ देने से इन सब समस्याओं से निजात मिल जाती है। जब पेशेंट में मूत्र तंत्र की तकलीफ हो, जैसे पेशाब रुकने लगे, इकट्ठा होने लगे परंतु विसर्जित करने में बहुत ही कम निकले, तब इस दवा के मदर टिंक्चर को देने से मूत्र मार्ग की पथरी, पेशाब नली की सूजन आदि में आराम होते देखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।